अपना नहीं तो अपनी बेटी का सोचो। अकेली औरत तन तनहा मर्दों के मुआशरे में नहीं रह सकती। देखिए मोहतरमा, मुझे नहीं पता कि अदनान साहब रिश्ते में आपके क्या लगते, लेकिन ये आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों से उन्होंने इस घर का किराया नहीं दिया। मुझे इमरा से मिलना। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों आए हो यहाँ? हौसले से काम ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं अम्मी, मुझे तो एक पल भी चैन नहीं आ रहा। मेरे पास तो निमरा के अलावा कुछ भी नहीं है। नाम ने मुझसे पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया। अब निमरा? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बेटा, अगर वो निमरा से मिलने आया था तो मिलने देती ना उसे। अम्मी आज मिलने आया था, कल कहेगा कि मैं उसे अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। अगर हमेशा के लिए ले गया मुझसे दूर, तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा बेटा, ऐसा क्यों सोच रही है तू? वो निमरा का बाप है, उसका हक है उस पर। नहीं अम्मी, वो सिर्फ मेरी बेटी है। बेटा तुम्हारी जिद से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना? अम्मी आप समझ नहीं रही, ये मेरी जिद नहीं है। मुझे मुझे अदनान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यानी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा कि उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी? तुम दोनों ने खुद ही तलाक का फैसला कर लिया, इतना भी नहीं सोचा कि उसके मासूम दिल पर क्या गुजरेगी? तुम दोनों तो शायद अपनी जिंदगी में मगन हो जाओ, लेकिन उसका यह बचपन जिसमें तुम दोनों के प्यार की उसे बहुत जरूरत है, ये बचपन शायद उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं निमरा को अदनान के साथ जाने दूं और कोई खाली हाथ रह जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कहती कि निमरा को तुम हमेशा के लिए उसके साथ भेज दो, लेकिन जरा तहम्मुल से सोचो बेटा। अगर निमरा कल को तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई और वो ये सवाल कर बैठी तुमसे कि तुमने उसे उसके बाप से क्यों अलग किया, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। अदनान तुम आ गए, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कितने अच्छे अच्छे खाने मैंने बनाए। निमरा कहाँ है? क्या वो नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, निमरा नहीं है। क्यों? तुम तो कह के गए थे कि तुम उसे मिलवाने के लिए लाओगे यहाँ पे। कैसे मिलवाता? एनी ने मुझसे भी मिलने नहीं दिया उसे। क्या? और तुम चुपचाप वापस चले आए? तो क्या करता मैं? क्या करता क्या मतलब है अदनान, तुम्हें हो क्या गया? क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? निमरा बेटी है तुम्हारी, तुम्हारा पूरा हक है उस पर। एनी ने तुम्हें क्यों नहीं मिलने दिया उसे? आप नहीं जानती बच्चिया, मैंने धोखा दिया एनी को, उसकी सजा तो मिलनी थी ना। मैं नहीं जानती तुमने एनी के साथ क्या किया, और ना ही मैं जानना चाहती। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अपनी बेटी से मिले बगैर यहाँ आ कैसे गए। बहुत गुस्सा आया मुझे, फिर ये सोचकर चुप हो गया कि सारी गलती तो मेरी है। गलती? गलती क्या, गलती की रट लगाई हुई है तुमने अदनान। मैं तुम्हें एनी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं कह रही। निमरा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है अदनान, और खून के रिश्ते इस तरह नहीं तोड़ा करते। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। ऐसा ना कि बहुत देर हो जाए, बहुत सफर करके आए हो तुम। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं। ड्रामे मत करो अदनान, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ। तुम्हारी बेटी तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। एनी तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं। आगे आगे देखो मैं करती क्या हूं। निमरा बेटा उठो, दूध पी लो। नानो की जान, अरे
निम्रा, तुझे तो तेज बुखार है बेटा। मैं तेरी मामा को बुलाती हूँ, वो डॉक्टर पे ले जाती है तुझे। हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों मेरी जान? मामा अच्छी नहीं है। अरे आप क्या कह रही हो निम्रा, बेटा ऐसा नहीं कहते। हाँ नानू, आपको पता है मामा ने मुझे पापा से नहीं मिलने दिया। अरे नानू की जान, आप परेशान क्यों होते हो? मैं आपको आपके पापा से मिलवाऊंगी, प्रॉमिस। अब आप सो जाओ, आराम करो। यानी क्या कर रही है? इस तरह तो निम्रा उससे दूर होती चली जाएगी। मुझे यानी को समझाना होगा। यानी ने अच्छा नहीं किया, वो खुद को समझती क्या है? निम्रा मेरी भी तो बेटी है, उसे कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बेटी को मुझसे छीनने का। मैं अपनी बेटी को हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अभी तक जाग रही है बेटा? जी अम्मी, कल एक इंटरव्यू है, उसकी तैयारी कर रही थी। हाँ बताएं, निम्रा सो गई? हाँ सो गई, लेकिन। लेकिन क्या क्या हुआ अम्मी? बुखार है उसे। उसे बुखार है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसे दवाई दे देती। मैं उसे देख कर आती हूँ उसका बुखार उतर है कि नहीं। अरे रुको, मैं वहीं से आ रही हूँ बेटा, उसका बुखार उतर गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जानती हो कि उसे बुखार क्यों है? अपना ख्याल तो रखती नहीं है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। इतनी लाड उठाते हैं अदनान उसे। पहचाने तो इन आंसुओं को, वरना तुम्हारे दिल का जख्म बन जाएंगे। यानी बहुत वक्त लगेगा तुम्हें अदनान को भुलाने में। और फिर निम्रा, वो तो उसका खून है, तुम उन्हें अलग नहीं कर पाओगे, चाहे जितना भी चाहो। मुझे बहुत डर लगता है हमें निम्रा को खो देने का डर। अगर वो मुझसे दूर होगी मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? अल्लाह सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। बड़ा गफूर रहीम, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम ऑन, पिक अप द फोन। चल कहाँ है? सलमान फोन उठाओ। कमाल ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? बात हो गई, इतनी दफा फोन की उसको उठाना चाहिए फोन। अरे बेटा इतने गुस्से में क्यों हो? बाबा फोन नहीं अटेंड कर रहा। तो तुम किसको फोन मिला रहे? सलमान को, और किसको? उसमें इस बेचारे फोन का क्या कसूर है? कसूर तो उसका है जो शायद बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। पापा फिर मुझ पर तंज करने लगे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे नहीं सलमान से मोहब्बत है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता।
पापा मैंने ऐसा किया क्या है जो आप भी मुझे ही बातें सुनाते हैं? नहीं, मैं बातें तो नहीं सुना रहा बेटा, मैं तुम्हें जस्ट समझाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप भी मुझे समझाएं। वो अमेरिका जाके बैठ गए हैं सलमान साहब, अब मैं बात करूँ तो करूँ किससे? हाँ, ये पॉइंट है कि बात किससे करो, तुम उस लड़की से बात करो। एनी से? पापा यू आर ग्रेट ऑल द टाइम। अब कहाँ जा रही हूँ? पापा मैं एनी के घर जा रही हूँ उसे सबक सिखाने। थैंक यू पापा, थैंक यू। और लेकिन अदनान, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? जॉब की तलाश में? अरे नहीं, जॉब आपको कहा तो था, मुझे जरूरत नहीं। तो फिर? आप सही कह रही थी, आपने जो कहा था मैं उसके बारे में सारी रात सोचता रहा। किस बारे में? जरा मुझे भी तो पता चले। अच्छा, निमरा के बारे में? और किस बारे में? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। भाई मैं अपने वकील के पास जा रहा हूँ उससे बात करने में, और अब आप पूछेंगे क्यों? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम एनी पर केस करोगे, यही बात है ना? जी भाजी, अब मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। और सैनी की हिम्मत तो देखिए, मुझसे मिलने भी नहीं दे रही उसे। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। अरे लोग तो ऐसी बीवियों को तलाक देते हैं मगर अपने बच्चों को ना अपने सीने से लगा कर रखते हैं। चले मान ली ना आपकी बात, अब तो खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश हूँ। और तुम देखना मैं अपनी भतीजी की कितनी अच्छी परवरिश करूँगी, तुम देखते रह जाओगे इंशाल्लाह। बस अब दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। औलाद पर असल हक उसके बाप का होता है, और वैसे भी अगर बाप माली तौर पर माँ से बेहतर हो तो समझो मामला तुम्हारे हाथ में है। शायद आप ठीक कह रही हैं। आजो 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 आजो, चलो शाबाश, स्कूल को देर हो रही है। अच्छा सुन निमरा बेटा, तेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, ज्यादा भागना दौड़ना नहीं। अगर आज तुम्हारा टेस्ट ना होता ना तो मैं कभी भी तुम्हें स्कूल नहीं भेजती। मेरा बच्चा नानू की जान, अपना पूरा ख्याल रखना। कैसी तबीयत है मेरी जान की, बुखार ठीक हुआ? खुदा हाफिज़ नानू। खुदा हाफिज़। देखा आपने, निमरा ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बेटा बच्ची है, नाराज है तुझसे। लेकिन अम्मी मैं तो उसके भले के लिए कर रही हूँ ना सब कुछ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन छोटी है ना, वो समझ नहीं पा रही। मैं उसे समझाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। कैसे फिक्र ना करूँ अम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निमरा मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे बेटा कहा ना, बच्ची है समझ जाएगी। असल में तुमने अदनान से जो नहीं मिलने दिया इसी बात का गुस्सा है उसे। मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, फिर भी बेटा औलाद चीज ही ऐसी, जिस तरह तुम उसके लिए बेकरार हो ना, हो सकता है वो भी अपने बाप के लिए उतनी ही बेकरार हो। मेरी बात मानो ना, तो उसे अदनान से मिलने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं अम्मी, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, जो जी में आए ना वो करो। शाबाश। औलाद चीज ही ऐसी, जिस तरह तुम उसके लिए बेकरार हो ना, हो सकता है वो भी अपने बाप के लिए उतनी ही बेकरार हो। मेरी बात मानो ना, तो उसे अदनान से मिलने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई मुझे। मेरे घर? खैरियत? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं शुक्रिया, आप यहीं पे बात करें।
कहाँ जा रही थी तुम? जॉब की तलाश में। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुमने जॉब छोड़ दी है ना सलमान की? जी। क्यों? मेरा मतलब है इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, फिर क्यों छोड़ दी तुमने? वैसे साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि सलमान को और ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में? जी ओह कम ऑन, तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ नहीं जानती कि तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां क्या क्या ढोंग करती हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है? तुम्हारी वजह से मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बेटी मुझसे छीन ली, हम दोनों की बात तलाक तक पहुंच गई, और तुम ये कह रही हो कि ऐसी कोई बात ही नहीं है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन मानिए। अच्छा और वो जो सलमान तुमसे शादी करने के लिए पागल हुआ जा रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुमने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और ना ही तुम कहोगी, है ना? कल को तुम खामोशी से सलमान से शादी कर लोगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर सब कुछ। आप हद से बड़ी हैं, मैंने आपसे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे बताओगी कि मेरी हद क्या है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे जैसी औरतों के हथकंडे क्या हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। तुमने सलमान को बड़ी मासूमियत से अपने जाल में फंसाया, लेकिन याद रखना है नहीं, मैं तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगी। बोलो बोलो क्या है तुम्हारी कीमत? चलो मैं ही बोल देती हूँ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्या कीमत है तुम्हारी? कितने पैसे लोगी कि तुम मेरे शौहर को छोड़ दो? बस बस इतने ही, यही कीमत लगाई है आपने अपने खावंद? अपनी मोहब्बत की, अपने एतबार की, अपनी घरस्ती की? Shut up! तुम अपनी औकात से बढ़ती जा रही हो। आप मुझे मेरी औकात क्या बताएंगी? आपकी अपनी औकात मेरे सामने आ गई है। एक औरत जो अपने शौहर को मोहब्बत, एतमाद, अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकी, वो आज मुझसे अपना शौहर खरीदने आई है, चाहिए नहीं देती। बहुत बोल रही हो तुम, तुम मुझे जानती नहीं हो। पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब शायद जान गई। आप उन चंद घमंडी लोगों में से हैं जो पैसे से हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप दौलत से ऐशो इशरत तो खरीद सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। बकवास बंद करो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं पहले मान भी जाती, लेकिन अब नहीं। भजिया। हाँ अदनान, इधर हूँ मैं। भजिया, अरे भजिया यहाँ क्या कर रही हैं? मैं पूरे घर में ढूंढ रहा था आपको। खाना बना रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अच्छा एक चीज दिखानी है आपको। चीज को यहीं ले आओ। यहाँ नहीं आ सकती ना वो चीज, आप आए मेरे साथ हैं। कहाँ ले जा रहे हो? आप आए तो सही, छोड़ो इसको। ऐसी कौन सी चीज इसके लिए बाहर ले जा रहे हो? सही आए तो सही। अदनान किसकी गाड़ी है ये? आपकी। मेरी? नहीं नहीं मुझे इस गाड़ी की जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लाया हूँ। अदनान इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है, आप आपकी गाड़ी आप चलाएं। मेरा है ही कौन जो मुझे कहीं जाना हो। तुम ये गाड़ी। अरे नहीं मैं आपके लिए लाया हूँ, आप रखें गाड़ी। आए बैठे तो चला के देखे ना, आपके लिए गाड़ी लाया हूँ। अदनान बैठे ना, कैसी है? बहुत अच्छी है ना। जख्मी हर हर पोर
वक्त लगेगा तुम्हें अदनान को भुलाने में, और फिर निम्रा वो तो उसका खून है। तुम उन्हें अलग नहीं कर पाओगे चाहे जितना भी चाहो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आसानी से अपने हाथों से इस चांस को जान नहीं देगी, गोल्डन चांस को? पापा आप ही बताएं ना मैं क्या करूं। कुछ वक्त तो लगेगा ना उसे समझाने में, और तुम ही उसे समझा सकती हो। क्या समझाऊं उसे कि उसकी माँ दूसरी शादी करना चाहती है।